एक सप्ताह में कितनी दफा सेक्स करना नॉर्मल कंसीडर होता है आज हम इसी बारे में बात करेंगे नमस्कार मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं उसके अलावा हमारी वेबसाइट डॉक्टर अरोड़ा डॉट कॉम के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने घर बैठे बैठे अपनी सभी की सभी सेक्स समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें और उसके साथ साथ आपका ये भाई हर शुक्रवार रात को नौ बजे आपके साथ यूट्यूब लाइव से भी जुड़ने लग गए ताकि आपके सेक्स को लेके जितने भी सवाल हो उनको वहीं के वहीं जवाब देकर आपकी सेक्स समस्याओं हल ढूंढने में आपकी वहीं वहीं मदद कर सके चलिए आज के टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि एक हफ्ते में कितनी दफा सेक्स करना नॉर्मल होता है बिकॉज ये सवाल हमारे वीडियोस के कमेंट्स में बहुत बार पूछा जाता है मेरे यूट्यूब लाइव के सेशंस में कई बार पूछा जाता है हमारे पास ई भी ये सवाल बहुत बहुत आता है सो so, हमेशा ये याद रखिएगा कि एक हफ्ते में एक कपल कितनी दफा सेक्स करता है कितना सही होगा कितना ज्यादा होगा ये कपल टू कपल वेरी करता है ऐसा कुछ फिक्सड नहीं होता है कि आपने हफ्ते में दो बार करना है या एक बार करना है या चार बार करना है या दस बार करना है इट ऑल डिपेंड्स कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है आप लोगों की दोनों की शारीरिक ताकत क्या है आप दोनों आपसी रिश्ते का प्यार मोहब्बत क्या है आप दोनों की लाइफ की रूटीन क्या है ये सारी चीजें मिलकर आपकी सेक्स लाइफ को प्रभावित करती हैं। सो so, अगर आपको किसी भी लेवल पे आपकी फ्रिक्वेंसी है और आप दोनों पूरे तरीके अपने आप में संतुष्ट हैं पूरे तरीके खुश हैं अंदर की बात मैं कह रहा हूं अंदर से अपने अंदर से आवाज आती है कि यस वी आर रियली हैप्पी विद सेक्स लाइफ कई बार क्या होता है कि लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं कि यस वी आर हैप्पी हाँ हाँ आप बताओ ना आप बताओ ना मैंने देखा है अपने सामने केसेस को मगर अपने अंदर में उनके आवाज होती है नहीं यार हम अभी कम करते हैं हमें और ज्यादा करना चाहिए तो वो आप लोगों को ना अपने सरकमस्टांसिस के हिसाब से डिसाइड करना है अगर आप दोनों पूरे तरीके तंदुरुस्त हैं और अपनी सेक्स की फ्रिक्वेंसी जो भी है उससे पूरे तरीके दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों के दोनों पार्टनर पूरे तरीके खुश हैं अंदर से अगेन रिपीटिंग अंदरूनी खुशी का आपको पता होना चाहिए तो फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कई बार लोगों को टेंशन ये होती है कि सर कितना ज्यादा हो सकता है जो हम ज्यादा जिसको कहें जिससे शारीरिक नुकसान नहीं होगा सर वो ज्यादा वाली भी ऐसी कोई लिमिट नहीं होती मेरे भाइयों आप लोगों का जितना मन करे जब तक आपके माहौल आपका शरीर आपका मन आपका हर सर्कमस्टांसिस आपकी फेवर में आपके साथ चल रहे हैं आपको जिस पे सेक्स करना है उतना कीजिए एक रात में चार बार कीजिए या हफ्ते में चार बार कीजिए दैट इज़ ऑल योर कॉल बट यदि आपको लगता है कि हम जब भी सेक्स करते हैं तो पूरी तसल्ली सी नहीं होती है फिर कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती हैं तो उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की जरूर मदद लेनी चाहिए बट अगर सवाल सिर्फ इतना है कि कितनी बार करना चाहिए तो जितना आपका मन करे उतनी बार कीजिए सब कुछ नॉर्मल है मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को इस सवाल से काफी क्लैरिटी मिली होगी और अब वो बिंदास होकर अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करेंगे वो ये बारियां नहीं गिनते रहेंगे कितनी बार किया इतनी उन्होंने ज्यादा हो गया ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं अब वो टेंशन फ्री होकर अपनी सेक्स लाइफ को आराम से एंजॉय करेंगे आपको लगता है कि आपके भाई के वीडियो काम के होते हैं तो इनको शेयर करना मत भूलिए बिकॉज आपके इस भाई ने तो एक मिशन बना रखा है कि इस दुनिया में सेक्स लाइफ को लेकर सेक्स के को लेके जो अंधेरा फैला है ना उसको पूरे तरीके मिटाएंगे और उजाला फैलाएंगे बिकॉज आने वाले कल को हम तभी बदल पाएंगे अगर सेक्स लाइफ के बारे में लोगों के पास सही ज्ञान होगा मगर इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए आपके इस भाई को आपकी मदद की जरूरत है सो इन वीडियोस को शेयर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर हफ्ते शुक्रवार रात को मेरे साथ यूट्यूब लाइव पे जुड़िए और अपने सवालों को लेके आइए बिकॉज सवाल आप पूछते हैं उस वक्त हजारों लोग सुनते हैं तो फायदा बहुत दुनिया का होता है सो कीप इंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ